खबर भी लगी दी अमर ज्यादा च जिनके नाम में टूर्नामेंट करवाई जा रही थी। आप देख सकते हैं काफी जहां पर ठीक है ठीक है सर सुरक्षा कर्मियों का और मीडिया कर्मियों का मेरे पास बहुत मुबारकबाद है जिनका भी नाम ले रहे थे यहाँ पर कालू जी छोटू जी और बाकी ऑर्गेनाइजर जितने भी हैं जिन्होंने अमरनाथ जी के नाम के ऊपर जो काफी देर पहले आज से 20-25 साल पहले हमसे जुदा हो गए थे उनके नाम पर अपने पिता के नाम पर आज इन्होंने आरसपुरा में ये टूर्नामेंट करवाई है। मैं समझता हूँ कि इससे हमारे आरसपुरा के नौजवानों को तो ये दृश्य देखने को मिला ही है लेकिन बाहर से इतने इतने दूर से जो प्लेयर आए हैं मैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और खासकर यहाँ पर धूम के अंदर जिन दर्शकों ने ये समय बांधा और खासकर किसी भी क्षेत्र में हो चाहे राजनीति में हो क्रिकेट में हो या किसी दूसरे में दर्शक ही सबको नंबर वन पर लाते हैं और दर्शकों का देखना ही जो है वो ही सबके लिए सौभाग्य होता है। तो आज दर्शकों ने अपना पूरा संयम रखा मैं अपनी तरफ से सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद। अपने
ऑर्गेनाइजर्स हैं जिन्होंने इतनी अच्छी इवेंट ऑर्गेनाइज़ की, और उसके बाद में अपने जितने भी यहाँ अपने इतने दूर दराज से लोग आए, इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और इतनी गर्मी में, इतनी गर्मी झेली है, हम लोग तो मंच में बैठे थे आराम से ऑब्जर्व कर रहे थे, बट जितने भी लोग, जितने बच्चे खेल रहे थे इतनी गर्मी में, तो इन्होंने इतना इसका मतलब जो है इतनी गर्मी में अपना अच्छे तरीके से जो खेल का वो किया है, मजारे किया है, और इतनी टीम स्पिरिट दिखाई है, तो मैं तो ये समझूंगा कि ये सबसे अच्छा अच्छी चीज़ है कि अगर बच्चों को इस साइड जोड़ा जाए तो ड्रग्स से दूर रख के हम समाज से जितनी भी बुराइयां हैं, छोटी मोटी बुराइयां, वो दूर कर सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजर्स को भी ये क्रेडिट जाता है, माचे बैठे जितने ये हमारे पति जी हैं, अपने म्यूनसिपलिटी चेयरमैन, इन सब का जो जितने लोगों का भी इनिशिएटिव है, तो मैं कहूँगा ये ऐसे ये इवेंट्स जो हैं ये आरसपुरा में एडजाइनिंग एरिया में भी ये करते रहना चाहिए, ये गांव गांव की ये मूवमेंट चलानी चाहिए, ताकि हम जितने यूथ को अपने इसके साथ इन्वॉल्व कर सकें स्पोर्ट्स की तरफ। तो कहते हैं कि साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, तो अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज जितनी करेंगे और हम उतना ही माइंड जो अपना फ्रेश कर सकते हैं और फिजिकल साउंड हो सकते हैं। और जितने भी दर्शक हैं, जो उन्हें उत्साह देखने को मिला, वो वाकई काबिले तारीफ का। मैं ज़्यादा ना कहूँगा, हम अपनी तरफ से स्पोर्ट्स मैन हमारे जितने भी हमारे ब्लॉक में हैं, हमारे तहसील में हैं, हम अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करते रहते हैं उनको आगे लाने की, जो भी हमसे हो पाता हम करते हैं। लेकिन आज का जो मैच हम यहाँ पर टूर्नामेंट देखा है, उससे लगता है कि आरसपुरा के लोग बहुत ज़्यादा जो वो स्पोर्ट्स की तरफ है, लेकिन उनको पूरी फैसिलिटी नहीं मिल रही है। और मैं आप इस माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ, कोई भी प्लेयर, कोई भी टीम, जिसको भी लगता है कि आगे आने के लिए कोई दिक्कत आ रही है, कोई स्पोर्ट फिट है, कोई इनको यूनिफॉर्म है, कोई शूज है, या स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो कुछ भी अगर उनको चाहिए होगा, हम हमेशा तैयार हैं, वो कभी भी आ सकते हैं। हम हमेशा ये चीज हमेशा हमेशा के लिए ये चीज कहना चाहते हैं कि आरसपुरा के जो हमारा यूथ है उसको आगे लाना ये हमारा फर्ज बनता है। अगर हम सोसाइटी सोशल लोग हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने लोगों के लिए, यूथ के लिए काम करें। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, क्योंकि इसमें क्या है कि बच्चों का रुझान बना रहता है, उनका जो शोर का वो बना रहता है। तो स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जो 500 रुपए का रिवार्ड रखा गया है। सिर्फ प्लेयर ही जहाँ पर मैदान में रहे, बाकी सभी पर ऐसा लग रहा था कि जैसे काफी संख्या में लोग मौजूद होंगे, लेकिन उनका आना लगभग तय था। लेकिन सचो आरसपुरा जाम सर, हम गेंद लेकर लेख श्री अमरनाथ जी के नाम पे करवाई जा रही है उनके पुत्र द्वारा, मेरा संत द्वारा की गई है। इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजिंग को 11,000 रुपया, 3100 रुपया, 3100 रुपया रनर अप टीम विनर को, और 2100 रुपया रनर अप। बेहतरीन अनाउंसमेंट जहां पर कमेंटेटर के रूप में की गई है 11